हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, न्यूज़ पे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। तो चलो बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। गाइस, कल की वीडियो में आप सभी को बताया था कि दलजीत ने फाइनली ओवाल लीव कर दिया, मगर अभी तक ऑरेंज रॉक ने ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं दिया है। तो गाइस, दलजीत पीएमपीएल भी खेलने वाले हैं कोई नई टीम से, मगर गाइस दलजीत ने एक हिंट दिया है कि वो जो नई टीम ज्वाइन करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी टीम है। और गाइस, जो मुझे लगता है वो हो सकता है सोल या INDB भी हो सकती है, TSM भी हो सकती है और 8-bit भी हो सकती है गाइस, क्योंकि ये सारी टीम्स बहुत ज़्यादा पुरानी टीम्स है। गाइस, आप सभी को क्या लगता है गाइस कि कौन सी टीम को वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पता वापस वो INDB को ज्वाइन कर ले। तो गाइस, आप सभी को जो भी आपके अजम्पशंस लगते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गाइस, अपनी अगली न्यूज़ है स्काउट और OS को लेके। तो गाइस, कल स्काउट ने क्लियर किया उनके और OS के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे हैं वो दोनों। तो गाइस, स्काउट ने बताया कि जो OS के साथ उनकी हमेशा इन गेम राइवल्स तो वो हमेशा भी होने वाले हैं, मगर ऑफ स्क्रीन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त। और स्काउट ने ये बोला कि जब वो टीम फिनेटिक में थे, जब उनकी दोस्ती थी OS के साथ, वैसी तो दोस्ती अभी नहीं है उनकी, मगर फिर भी वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अभी भी। तो गाइस, और कुछ क्या बोला आप उन्होंने, वो आप क्लिप देख लीजिए। यार देखो, झगड़ा तो अपनों में होता है ना ब्रो, तो चलता है ये सब। अभी हर चीज आप लोगों को आगे थोड़ी हम लोग बता सकते कि यार आज मैंने व्हाट्सएप में OS को ये बोला, कल OS का मेरे को ऐसा DM आया, मैंने परसों ऐसा DM भेजा, तो ये सब थोड़ी बता। मतलब हे, रिलेशन इज गुड, पहले ऐसा है, इन गेम राइवलरी इज अ मस्ट, रहना चाहिए, बट ऑफ स्ट्रीम वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, नॉट लाइक बिफोर व्हाट वी वे बट वी आर नाउ। वो देखो, एक बोलता ना कास्ट स्टूडियो था, यू कैन स्टिल जोड़ सकते हो, बट वो आपको वैसा नया नया कास्ट जैसा नहीं दिखता है, बट हाँ कास्ट जुड़ सकता है। और गाइस, अपनी जो अगली न्यूज़ है वो भी स्काउट को लेके है। तो गाइस, स्काउट ने बताया है कि वो जल्दी फिनेटिक के बूट कैंप जाएंगे एक हफ्ते के लिए। उन्होंने बोला OS से और सभी प्लेयर से वो मिलेंगे एक हफ्ते, पूरा चिल करेंगे उनके साथ, और उन्होंने बोला उसके बाद ही फिर वो OR के बूट कैंप जाएंगे। गाइस, जो अपनी अगली न्यूज़ है जोनाथन को लेके है। तो गाइस, जब जोनाथन स्ट्रीम कर रहे थे और उनके साथ सांगवान भी कल खेल रहे थे, तो सांगवान ने रिवील किया कि जोनाथन है वो 15 लाख रुपीज पर मंथ कमाते हैं। अब गाइस, ये मजाक में बोला या क्या बोला, क्योंकि माहौल तो पूरा मजाक में चल रहा था। और गाइस, ये हो भी सकता है, क्योंकि जोनाथन इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और TSM इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और TSM इतने सारे टूर्नामेंट्स जीतती रहती है, तो ये पॉसिबल भी है। और क्या कुछ बोला वो आप क्लिप देख लीजिए। गाइस देखो, महीने का 15 लाख्स कमा रहा है ये, बट देख रहे हो गाइस कितना तुम्हारे बाइक इसका उल्टा समझ लो, इसका भी उल्टा है, रिवर्स साइकोलॉजी भाई। 15 लाख ही कमा रहे, तो कैसे बात कर रहा है, अच्छी गंदी गंदी बातें कर रहा है भाई। इधर 1 रुपया कितना कितना झूठ बोलता है। 15 लाख गाइस, देख रहे हो गाइस, 15 लाख का मंथ भाई जॉनी कैंडी का, पता रहे तो मैं बताया था आपको, इससे कम बोलेगा तो मानना मत, सुनिएगा नहीं, इससे कम बोलेगा तो बता रहा हूँ मैं, झूठ बोलता है फिर ये। 15 से कम बोलेगा मतलब झूठ बोल रहा है। तो गाइस, अपनी अगली न्यूज़ है सेल्स को लेके। तो बहुत से लोगों के डाउट है कि सेल्स PMCO क्यों नहीं खेल रही। तो सेल्स के मैं आपको बताता हूँ, वो PMCO इसलिए नहीं खेल रही क्योंकि सेल्स PMCO फाइनल्स के अंदर डायरेक्ट इनविटेशन है उनको। तो गाइस, अपनी अगली न्यूज़ है PEC 2020 को लेके। गाइस, इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स है, वो आप सभी को मैं देना चाहता हूं। तो गाइस, जो PEC 2020 है इसके अंदर 4 टीम्स इन्वाइटेड है, जिनका अभी तक नाम सामने आया, जो कि है BTR, RRQ, बॉक्स और OR इंडिया से। तो गाइस, इनमें से BTR और RRQ ने तो साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाने वाले PEC 2020 के अंदर, और जो बॉक्स है उन्होंने अभी तक इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, और इंडियन टीम्स का अभी तक कुछ पता नहीं है। तो गाइस, BTR ने तो इसलिए रिफ्यूज कर दिया कि उनको 14 डेज के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा जब वो चाइना के अंदर जाएंगे, और वापस 14 डेज के लिए वापस क्वारंटीन होना पड़ेगा जब वो अपने देश के अंदर आएंगे, यानी कि अपने उस कंट्री के अंदर आएंगे। तो गाइस, इसलिए BTR इतने समय के लिए क्वारंटीन नहीं होना चाहती BTR के प्लेयर्स, तो इसलिए BTR ने तो रिफ्यूज कर दिया। बाकी इंडियन टीम से क्या वो आता है डिसीजन कि वो जाते हैं या नहीं जाते, वो मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट कर ही दूंगा। तो गाइस, अपनी अगली न्यूज है सोल मॉडल को लेके। तो मॉडल ने बताया कि ब्लेजी अगले वीक नेक्स्ट वीक सैटरडे को बूट कैंप आने वाले हैं SA12 के। गाइस, ये थी आज के लिए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, क्योंकि इस महीने के एंड तक 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं आप सभी के लव और सपोर्ट से। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।